ट्रेनों में आग की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए रेलवे ने अपनी तैयारियां और अधिक पुख्ता करने के लिए एनडीआरएफ के साथ मिलकर विशेष अभियान की तैयारी की है। इसके साथ ही यात्रियों व रेलवे उपभोक्ताओं को भी इस बाबत जागरूक किया जा रहा है। यह जानकारी मध्य रेल नागपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक तुषार कांत पांडे ने दी। इस दौरान सीनियर डीसीएम आशुतोष श्रीवास्तव भी उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत ट्रेन संचालन में शामिल विभिन्न हितधारकों को संवेदनशील और शिक्षित करने के लिए गतिविधियों की एक सीरीज शुरू की गई है। इनमें यात्री, कूली, सफाई कर्मचारी, पार्सल स्टाफ, पेंट्रीकार स्टाफ, कैटरिंग स्टाफ, ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग स्टाफ और अन्य आउटसोर्स कर्मचारी शामिल है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत मध्य रेल नागपुर मंडल में अभी तक 35 ट्रेनों में 106 कोचों की जांच की गई, वहीं पार्सल वैन के निरीक्षण के लिए एक विशेष अभियान भी चलाया गया। इसमें कुल 131 वैन एसएलआर और वीपीएस की जांच की गई, वहीं धूम्रपान विरोधी अभियान में 206 मामले सामने आए। इनमें कुल 41,100 तक जुर्माना लगाया गया। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा डॉग स्क्वाड की सहायता से 550 मामलों में ट्रेनों और कोचेस में यात्रियों के पास ज्वलनशील सामग्रियां पाई गईं। सभी के खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। जागरूकता के साथ यात्रियों से अपील की जा रही है कि वे ट्रेनों में सफर के दौरान गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, स्टोव, माचिस, सिगरेट लाइटर, पटाखे और अन्य विस्फोट या ज्वलनशील पदार्थ लेकर सफर न करें, ताकि उनके साथ अन्य यात्रियों के साथ उनका भी सफर सुरक्षित रहे। सिस्टम है कि वहाँ पे बैटरी सिस्टम्स कैसे हैं, फायर को डिटेक्शन करने के सिस्टम्स हैं, सप्रेशन करने के सिस्टम्स हैं, फायर के अलार्म्स हैं वो सही हैं या नहीं हैं, फ्यूजेस हमारे सही हैं कि नहीं हैं, बैटरीज़ जो हैं वो सही हैं कि नहीं हैं, बैटरीज़ का मेंटेनेंस के क्या सिस्टम्स हैं, हम उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं हैं। तो खैर खुशी की बात है कि दुरंतों में मुझे पूरे अपने एक घंटे के सघन परीक्षण के बाद भी कोई भी जरा भी मतलब लेश मात्र भी कमी नहीं मिली, बट कुछ और गाड़ियों में कमी मिली थी, उन जो कमी मिली थी उनको तुरंत का तुरंत वहाँ के रिस्पेक्टिव डीआरएम्स को भी सूचना दे दी गई। और मतलब हर कोई इतना ज़्यादा इस समय इस इशू पे मतलब एक्टिव और चेत सजग है कि इवन हमारी माननीय चेयरमैन रेलवे बोर्ड तक ने जो है जो घटनाओं को हमने ग्रुप में कल हाईलाइट किया, तो चेयरमैन रेलवे बोर्ड तक ने उसको इमीडिएट बेसिस पे संज्ञान में लिया और पूरे इंडियन रेलवे के सारे डीआरएम्स को जो है कल इंस्ट्रक्शंस जारी हुए कि इस तरह की चीज़ों को लेकर के वी शुड बी वेरी वेरी सेंसिटिव एंड वेरी वेरी वर्किंग इन अ राइट डायरेक्शन। लाइक कि पेंट्री कार जितनी है हमारी, पेंट्री कार में कोई लूज कनेक्शंस ना हो। पेंट्री कार में कई बार क्या होता है, लोग खाना बनाने के लिए या कुछ अलग करने के लिए कई जगह गलत तरह से जो है उसमें पावर ले लेते हैं, तो वो सब चीज़ें कल के दिन उसमें पता चला कि अब जैसे दिल्ली दरभंगा में हुआ या दिल्ली से वो वैशाली जो ट्रेन थी उसमें अभी प्रयागराज डिवीज़न में परसों घटना हुई, तो वो सब चीजें ऐसी थी जो कि शायद अवॉइड की जा सकती थी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक मानसी, बीसीएन न्यूज़ नागपुर।